इस बार के सोनपुर मेले में हर बार की तरह कोई न कोई नई टेक्नोलॉजी सरकार द्वारा प्रदर्शनी के रूप में दिखाई जाती है। वहीं इस बार नई टेक्नोलॉजी के अनुसार किसान अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव अपनी पीठ ऊपर मशीन लेकर करते हैं, जबकि एक ऐसा यंत्र आया है जो कि ड्रोन कैमरा के समान वह खुद रिमोट के माध्यम से किसान कई एकड़ फसलों पर कीटनाशक छिड़काव कर एक जगह रहकर कर सकता है। हालांकि यह ड्रोन मशीन काफी महंगा है, लेकिन समूह में लेकर गांव के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा कहना सोनपुर कृषि मेले में अपना स्टॉल लगाए कंपनी के कर्मियों द्वारा बताया गया। तो आइए चलते हैं सोनपुर मेला कृषि मेले में, जानते हैं सबसे खास किसान के लिए इस बार क्या है। मेला का आगाज हो चुका है, लगभग 7 से 8 दिन बीत चुके हैं और सोनपुर में मेला पूरी तरह से सच कर तैयार है लोगों के लिए। लोग काफ़ी संख्या में देश विदेश से भी आ रहे हैं। अभी मैं कृषि प्रदर्शनी में आया हूँ। कृषि प्रदर्शनी बिहार का एक बहुत बड़ा अभियंग माना जाता है और यह किसानों की सबसे बड़ी यह मेला भी है। वहीं मैं खड़ा हूँ अभी कृषि प्रदर्शनी मेला के पास, और जैसे जैसे कृषि पद्धति और समय बदलता गया वैसे वैसे किसानों की कार्यशैली भी बदलती गई। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैमरा के माध्यम से छिड़काव करने की मशीन तैयार हो गई, जबकि बिहार में भी इसका कार्यालय है, मुख्य कार्यालय बक्सर में भी माना जा रहा है। और जो स्टॉल में है उनसे ही बात करेंगे, मेन किस तरह से क्या कार्य होगा और कितने समय तक कार्य होगा और क्या इसका रेट है, आइए जानते हैं। स्टॉल पर ओरिजिनल है, इसका क्या नाम है? माइक लगा दी भैया, क्या नाम इसका नाम है एग्रीबोट है। इसका क्या कार्य है? उसका लागत है 8 लाख रुपए। अभी बिहार गवर्नमेंट में कुछ 4 दिन पहले से सब्सिडी जारी करी 40% की, तो आपको ये पड़ जाएगा 4 लाख 80 हज़ार रुपये का ही पड़ जाएगा। एक किसान तो ये नहीं पाएगा, एक समूह के तौर पर ये ले सकेंगे? ये बिल्कुल ले सकते हैं, समूह के तौर पर इसको ले सकते हैं, लेकिन उसकी अलग प्रोसेस है। और जैसे कि मतलब छोटे किसान है नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जबकि आप कम से कम उनके लिए हम लोग 500 रुपये एकड़ चार्ज करते हैं, जो छोटे किसान हैं कम से कम उनको 20-25 एकड़ होना चाहिए। अकेले को अपना तो 2-4 किसान समूह बना लेते हम लोग देने के लिए, हम लोग चले जाएंगे। इसमें रेडिएटर का पानी आता है जो आपका 6 महीने आपका रेडिएटर रेडिएटर देगा। उसमें एक बैटरी सेट है जो 20 मिनट कवर करती है, 20 मिनट का बैटरी बैकअप है, 20 मिनट में आपका 5 एकड़ एरिया कवर कर देता है। लोग जो आ रहे हैं वो आपको चकित को मान रहे हैं, नहीं हमारा सेल भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे अच्छी सेल भी, हमारे यहाँ कहते हैं ये बेगूसराय में हमारे यहाँ पे ट्रेंड भी चल रही है। अभी कई हमारे कई लोगों भाई खरीदा रहा है, खरीदा उन्होंने चाहे इंटरेस्ट जताए, कई लोगों ने खरीदा दिया हमारे यहाँ बात की है क्वार्टर में, तो कई लोग इंटरेस्ट जता रहे, कई लोग कह रहे हैं हम लोग भाई हम लोग चले जाएंगे। इसमें रेडिएटर का पानी आता है जो आपका 6 महीने आपका रेडिएटर रेडिएटर देगा। उसमें एक बैटरी सेट है जो 20 मिनट कवर करती है, 20 मिनट का बैटरी बैकअप है, 20 मिनट में आपका 5 एकड़ एरिया कवर कर देता है। लोग जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, आपको चकित को मान रहे हैं, बिल्कुल नया नहीं हमारा सेल भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे अच्छी सेल भी, हमारे यहाँ कहते हैं ये बेगूसराय में हमारे यहाँ पे ट्रेन भी चल रही है। अभी कई हमारे कई लोगों भाई खरीदा रहा है, खरीदा उन्होंने चाहे इंटरेस्ट जताए, कई लोगों ने खरीदा दिया हमारे यहाँ बात करिए क्वार्टर में, तो कई लोग इंटरेस्ट जता रहे, कई लोग कहते हैं हम लोग स्प्रे करने जाते हैं, वो लोग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, लोगों को स्प्रे करना जैसे नई नई चीज़ हो रही है, कई लोग पसंद आते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ गन्ने पर स्प्रे चल रहा है बेगूसराय में, कई लोग पसंद करते हैं। दवा डालकर खेतों में छिड़काव किया जा सकता है, नया टेक्नोलॉजी माना जा रहा है और बिहार के किसानों के लिए कितना लाभकारी होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह सोनपुर मेला में यह एक अलग तरह का स्टॉल लगा है और किसानों के लिए यह काफी रोचक स्टॉल माना जाएगा। अगर किसान समूह में लेकर गाँव में यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं समय की भी बचत होगी और खेतों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होगा।
उत्तर प्रदेश। छपरा से मनोज कुमार।